भागदौड़ भरे संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की कहानियाँ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वो खाना इकट्ठा करके खाया करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था और उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। ये सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वो अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वो यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है कि क्यों ना आज रात यहीं पर गुजार लूं, सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वो जाकर गेट खटखटाता है। वो उनसे कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रात रुक सकता हूँ। मालिक उसे भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। ये सुन उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वो कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती, आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगले दिन वो उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए निकल जाता है। वो फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना होता है। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वो भिखारी उससे कहता है कि क्या आप मेरे इन पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार करा देता है। जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ बताइए क्या सवाल है। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है, तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वो उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वो नदी गहरी होती है जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वो नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वो भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या बताओ? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था, क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है, और उसके बाद नदी पार करके फिर से यात्रा शुरू कर देता है और अंत में वो बुद्ध के मठ के यहाँ पहुँच जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज मैं महान बुद्ध से मिल ही लूँगा। वो पूरे आनंद और उत्साह से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनके जवाब लेने के लिए आया हूँ। बुद्ध कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। तब वो बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 1000 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वो उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने के इंतजार में जी रहा है, और फिर वो उस लड़की के बारे में सोचता है
कि उसके आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका बोलना कितना जरूरी है, बिना बोले कैसे वो अपनी जिंदगी जिएगी। और फिर वो खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है, इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। अतः उसने अंत में निर्णय लिया कि वो उन तीनों के सवालों का उत्तर पूछेगा। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आसरे की तरह है जो उसके स्वर्ग जाने में बाधा बन रही है। उसे वो हमेशा अपने हाथ में रखता है। उसे छड़ी को दूर करना होगा तभी वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर उसने महान बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से विदा हो गया। वापस रास्ते में वो कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। वो उसे भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है और कहता है कि आपको ये छड़ी छोड़नी होगी तब आप स्वर्ग जा पाओगे। ये सुनकर वो जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी थी जिसमें बैठकर वो उस घर को जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? ये सुन उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वो लड़की की आवाज सुनकर बहुत खुश थे। वो उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं, ये वही हमसफर था। उसके बाद वो दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अतः इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वो किसी ना किसी रूप में लौटकर हमारे पास ही आता है। इसलिए बेकार की चिंता छोड़िए, अच्छे काम और अच्छे कर्म करिए। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति आपको भीतर से महसूस होने लगेगी।